बुध और केतु ग्रह दोनों ही मंगल के शत्रु हैं। अब ये कैसे कंफर्म किया जाए कि मंगल खराब है कि अच्छा है? देखिए लाल किताब की सिर्फ हमने अगर भावचलित बनाया होगा हमें पता लग जाता है मंगल कहां बैठा हुआ है। इसमें भावचलित नहीं है, इससे सिम्टम से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट मेलेफिक है कौन सा प्लेनेट बेनेफिक। बाद में कॉम्बिनेशन से सारी चीजें। अब मंगल जब बुध और केतु शत्रुओं के घर में बैठा हुआ है, अब ये अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा? अब इससे सबसे पहले तो मंगल का कार्य ग्रह कौन है? छोटा भाई या चाचा। और जमीन और जायदाद मंगल कारक है इन चीजों का, सही सर? बराबर रहे। तो मैंने इनसे कहा जी आपके भाई से नहीं बनती। अब सर से पूछे भाई से बनती है या नहीं बनती? अगर बनती है तो मंगल बेनिफिक है, नहीं बनती तो मंगल मेलेफिक। हमारे वैदिक के अंदर भी मैं क्यों इसकी समानता देता हूं, उसका वजह यह है वैदिक ज्योतिष के अंदर दो किताबें हैं, सर्वार्थ चिंतामणि और चमत्कार चिंतामणि। उन दोनों की लैंग्वेज सेम वैसी है जैसी हमारी यहां पर। वो भी कहता है चंद्रमा लगन में अच्छे फल नहीं है उसके बुरे फल नहीं है। सर्वार्थ चिंतामणि ये कहती है लगन में चंद्रमा है तो उसके अच्छे फल नहीं है बुरे फल नहीं है। अब आप उसको चेक कर लें कि आपके साथ चल रहे। हमारी भाषा अलग है, हमारा एक्सप्लेन करने का ढंग अलग है, उसकी ग्रामर अलग है, ये जरूर है। लेकिन ग्रह तो वही नौ है, घर वही बारह है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो रहेगी रहेगी। वैदिक और राशियां हैं इसमें। जहां तक अब आगे हमारा दशा का सवाल, हम 35 साल का चक्र मानते हैं, योगिनी कितने साल की है? 36। एक साल का फर्क है। क्षत्रिय दशा का बता देता हूं हमारे यहाँ इसमें, हालांकि अभी तक हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए उस दशा को, महादशाओं के ग्रह भी हम मान के चलते हैं, उस महादशा को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए हैं क्योंकि इसकी कहीं इंटरलिंक्स जो है, जो मेरी इनसे बात हो रही थी कि कुछ मिसिंग है, मिसिंग इंटरलिंक्स है इसके अंदर लैंग्वेज, इसकी कुछ लाइन्स हैं वो गायब है। क्यों गायब है? लाइन्स मिसिंग है उसी के अंदर, कुछ ना कुछ हो सकता है चैप्टर भी मिसिंग हो गया हो। महादशा का कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा जिक्र ही नहीं है, तो महादशा है तो हमारे इसमें 120 साल की पूरी, 16 साल बृहस्पति के माने हैं, 20 साल शुक्र के माने हैं, ये हमने लिए हैं। वहां मेरी 40 वाले में है, जिसमें भी है तो सही ना, पर महादशा काल तो 52 में भी एक्सप्लेन जो उसने किया 40 में किया, 52 में भी है सर, थोड़ा तो थोड़ा है, पर वो तो उन्होंने छोड़ दिया ना जब उन्होंने, मैंने कहा ना कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई, तो 40 के बाद में कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई, इसलिए 52 में आ नहीं पाई। अगर हम उसको ढूंढ लें तो शायद हम इसके भी राज को निकाल लें। तो ग्रह वही नौ है, भाव वही बारह है, दशाएं वही है। हाँ हम नक्षत्रों को इसमें मेरा ख्याल बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा राशि छोड़ नक्षत्र बोला, मैं फिर पंचांग लिया, तो इसलिए वो सिर्फ इसलिए था कि हम फलित की सरलता में जा सकें, ज्यादा गुंजलों में ना घुसें।